खाने का मन भी कर रहा है। और बार्गेनिंग तो सब करते हैं यहाँ पे कि हम अभी दिल्ली में हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं। तो ये है 20 रुपये की प्लेट। लिखा है घंटाघर चांदनी चौक टाउन हॉल विद प्लास्टिक बॉटल रिसाइकल मशीन। कितने का? 20। लग नहीं है इसकी बातें और ये हद है। तो सीजन ऑफ हो जाता है कुल्फी का चालू है। डरावनी तो नहीं, नहीं यादगार। अभी हम आते हुए ये छोले कुलचे लेके आए हैं और अब खा रहे हैं। पता नहीं मेरे तो क्या हो रहा है ना, गर्मी की वजह से या पता नहीं पानी चेंज होने की वजह से मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे खाने का मन भी कर रहा है सब कुछ और खाया भी नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग ये खाएंगे। और क्या बताऊँ मैं तो जितना भी सर्च करके देख रही हूँ पता चल रहा है दिल्ली बहुत महंगी हो गई है। पहले के टाइम में और आज के टाइम में कोई फर्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली बहुत ही महंगा महंगा आइटम यहाँ ख़रीदने आना हो तो आइए। कुछ चीज़ें अभी भी जैसे ज्वेलरी में और कुछ डेली यूज़ के कपड़ों में थोड़ा बहुत मुझे सस्ता दिखा, बाकी किसी चीज़ में सस्ता नहीं। और ऊपर से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे बेकार लग रही थी यहाँ पे, लोगों की वे ऑफ टॉकिंग, बात करते करते सर पे चढ़ जाते हैं। और बार्गेनिंग तो सब करते ही हैं यहाँ पे क्योंकि पता ही है 3-4 गुना रेट बढ़ा के बोलते हैं सर। बार्गेनिंग करेंगे वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे, ये तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग बनारस में रहते हैं तो बनारस में भी एक बहुत बढ़िया सदर बाज़ार जैसा एरिया है जिसे दाल मंडी बोलते हैं, वहाँ पे भी शॉपिंग करने हम जाते हैं। थोड़ा सा दूर पड़ता है, वहीं जब ज़्यादा सामान लाना हो या कुछ हो तो हम वहाँ जाते हैं। और अभी यहाँ पे हम जिस रूम में हमने उसे पूरा फैला रखा है, थक गए हैं। कल हमें रूम खाली भी करना है और कल की हमारी ट्रेन फाइनल हो गई है। सेम हुआ है हमारे साथ, जैसे हम आए थे तब भी ऐसा ही हमारे साथ जाते हुए भी हो रहा है। हमारी आज की ट्रेन थी वो वेटिंग में थी, कन्फर्म नहीं हुई थी तो दोबारा करी है, तो आज वाली कल वाली कन्फर्म हो गई है। तो कल हमें ये रूम खाली करना है और अभी जो इस रूम को हमने पूरा फैला रखा है, जो हम शॉपिंग करके लाए हैं कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी, उनको सेट करना है। और एक बार सारा सेट करने के बाद मैं करूँगा थोड़ा सारा, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम ठीक है। हम अभी दिल्ली में हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पर कबूतरों को दाना डाला जाता है। ये है टाउन हॉल। बहुत कुछ बदल गया है, यहीं के हम रहने वाले हैं। ये ऊपर झंडा हमारा, हमारी इंडिया का झंडा बहुत बड़ा है, हवा से हिल रहा है। और यहाँ पर नीचे कबूतरों को दाना डाला जाता है। सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ दाना डालने। ये देखिए तो चलिए हम भी दें, अर्षिता हम भी दाना दें, चलिए लेके आते हैं। वो ज्यादा हो जाएगा डालते डालते। तो ये है 20 रुपये की प्लेट कबूतर को डालने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। और हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? चलो डालो। दूर तक फेंको, हाँ थोड़ा और दूर तक, अंदर हाथ करके दूर तक फेंको। वेरी गुड।
यहाँ लोग चलते फिरते रहते हैं, कुछ गिरता रहता है कुछ उठता रहता है, तो कबूतर बेचारे डर के एकदम सारे उड़ गए, अभी दो मिनट बाद वापस आएंगे। तो ये हमने सजा दिया और अब उन्हें पैसे दे देते हैं, अब तो देते हैं वापस। यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसे पढ़ सकती है, इसे लिखा है घंटाघर चांदनी चौक, टाउन हॉल भी बोला जाता है इसे, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। वाह ये अच्छी चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, प्लास्टिक बोतल रिसाइकल मशीन, ये सही है, नाइस। आओ थोड़ा सा उधर और घुमाते हो तुम, फिर इधर वापस आएंगे, ठीक है। ढोलक देखो पापड़ खाने, कैसे दे रहे भैया, कितने पीस हैं? तीन भी है, चार भी है, चार बना 20 रुपए में चार है। लो हर वक्त मुझे इसके ऊपर गुस्सा आता है, इस बैग को संभालने के चक्कर में फोन गिरा देती है ये लड़की, बहुत अत्याचार करती है फोन के साथ। हाँ तब भी आपको गिराओ, मजबूर थी फोन फेंकने के लिए, इसकी बातें और ये हद है। हाँ भैया क्या बात है, रोज रोज की आदत बन रही है क्या? आप क्या था ना, आगे बोल उसे घुमा के ले जाओ। आकर देखना पड़ेगा क्या है, कुल्फी खानी है, दाल मोड है, दोनों बस खा के कैसी बनवा लो, बनाइए उधर चलो। दाल मोट बोलते हैं ना भैया इसे, दाल मोट बोलते हैं ना, लोग नहीं खाए पसंद नहीं किए, लेकिन यहाँ आके तो बड़ा पसंद करते हैं। ये अच्छी चीज है, हेल्दी भी है। गर्मी आते ही ढोलक की चाट का सीजन ऑफ हो जाता है, कुल्फी का चालू हो जाता है। एक ही है ना नाम, अलग है नाम, अलग है पूरी बनावट, वहाँ ऑलरेडी मीठा होता है, हाँ यहाँ अलग से मीठा होता है। वहाँ तो उधर काशी विश्वनाथ की साइड मिलती है, उधर यहाँ पे दूध मिलती है, तो बनारस में दूध मिलती है। आप भी उधर की हैं क्या भैया? नहीं मैं तो चंदोसी का हूँ। वो किधर है? संभल चंदोसी मुरादाबाद बदायूं से। भाई ये कुल्फी है पसंद आई है, ये भी पास हो, इसमें बहुत सारे फूड ट्राई करा रही हूँ और ये पास हो।